उत्पन्ना एकादशी का व्रत अगहन महीने के कृष्ण पक्ष के ग्यारहवें दिन होता है इस बार ये आठ दिसंबर को होगा पुराणों के मुताबिक इस दिन से ही एकादशी व्रत शुरू होगा हुआ इसलिए इसे इस इसीलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं साथ ही इसे बैतरणी एकादशी भी कहते हैं इस व्रत को पुराणों में बहुत ही खास बताया गया है पद पुराण के मुताबिक इस दिन व्रत या उपवास करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं साथ ही कई यज्ञों को यज्ञों को करने का फल भी मिलता है शास्त्रों के अनुसार अगर एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं तो भी एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए इस व्रत में एक समय फलाहार कर सकते हैं एकादशी पर क्या करें और क्या ना करें उपवास रखें एकादशी के दिन व्रत रखना शुभ माना जाता है इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के लिए उपवास जरूर रखें तुलसी पत्र चढ़ाएं, तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अति प्रिय है और उनकी पूजा तुलसी पत्र के बिना अधूरी मानी जाती है इसलिए इस शुभ दिन पर तुलसी दल चढ़ाना चाहिए लेकिन इस दिन के लिए पहले से तुलसी पत्र को तोड़कर रख ले क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए तामसिक भोजन से बचें एकादशी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए इस दिन मांस प्याज लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इन चीजों से मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं दान पुण्य अगर आप व्रत रख रहे हैं या फिर किसी कारण नहीं रख पा रहे हैं फिर भी आपको एकादशी के दिन धन कपड़े भोजन और पानी का दान करना चाहिए क्योंकि ऐसे कार्यों से को करना फलदायी माना जाता है ब्रह्मचार्य का पालन करें इस दिन दिन भर साधक को ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए भक्तों को हमेशा अपने शरीर और मन पर नियंत्रण रखना चाहिए और मंत्रों का जाप करते हुए अपना दिन बिताना चाहिए चावल का सेवन करना भूल कर भी ना करें एकादशी के शुभ दिन पर भूल कर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए